हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 22-25 का जो सब्सिडरी का रिवाइज शेड्यूल है वह जारी हो चुका है तथा आप लोगों का जो एग्जाम है 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है सब्सिडरी पेपर का। लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राओं को एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि उनका हिंदी का पेपर कब है, इंग्लिश का पेपर कब है, हिंदी 50 का पेपर कब है, इंग्लिश 50 का पेपर कब है तथा हिंदी 100 का पेपर कब है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में एक एक करके बताने वाला हूं। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो आप लोग परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि पार्ट वन में बहुत सारे छात्र छात्राओं को डेट शीट देखने नहीं आता है और वह अपना एग्जाम छोड़ देते हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट फेल या प्रमोटेड हो जाता है। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि ऑनर्स पेपर का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैंने जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑनर्स पेपर के एग्जाम में टच किया है। तो अगर आप भी सब्सिडरी का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री सब्सिडरी, पॉलिटिकल सब्सिडरी, इंग्लिश सब्सिडरी, साइकोलॉजी सब्सिडरी, ज्योग्राफी सब्सिडरी, इकोनॉमिक सब्सिडरी, सोशोलॉजी सब्सिडरी, हिंदी 50, हिंदी 100 नंबर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80832 88909 पर व्हाट्सएप करें। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 40 रुपया मात्र देना होगा, यानी कि एक पेपर का अगर आप लोग सब्सिडरी का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 40 रुपये लगेंगे। आप 40 रुपये पे करके सिलेक्टेड क्वेश्चन को ले सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला करके पास हो सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी व्हाट्सएप जरूर करें। चलिए अब हम आपको विस्तार रूप से डेट शीट को बताना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं जो अभी डेट शीट आप सभी को बताऊंगा, मैं केवल आपको जो बताया हूं हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसी सब का बताऊंगा, सभी डेट शीट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सिडरी पेपर का डेट शीट बता चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप देख लें। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सब्सिडरी में हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है या भोजपुरी है तो आपका एग्जाम 16/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में होगा, यानी कि यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर्शियन, इसमें आपका हिंदी 100 नंबर, इंग्लिश, संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू, इन सभी का जो सब्सिडरी में अगर आपका सब्जेक्ट होगा उसी का इसमें एग्जाम होगा, यानी कि 16/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपका कंपोजिशन में 100 नंबर का हिंदी होगा या 50 नंबर का इंग्लिश होगा या 50 नंबर का हिंदी होगा, तो चलिए मैं उसको भी आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहां पर 20/3/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में नॉन हिंदी कंपोजिशन फॉर आर्ट, कहने का मतलब है कि 50 नंबर का हिंदी प्लस 50 नंबर का इंग्लिश अगर आपका कंपोजिशन में है, अगर आप आर्ट से हैं तो आपका एग्जाम 20/3/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। अब आते हैं कि अगर आप साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड पर 50 नंबर का हिंदी प्लस 50 नंबर का इंग्लिश दिया है तो आप सभी 20/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में अपना एग्जाम देंगे। उसके बाद आगे समझिए, अगर आपका
कंपोजिशन हिंदी है, यानी कि 100 नंबर का हिंदी है। अगर आप साइंस एंड कॉमर्स से हैं तो आपका एग्जाम 21/3/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और अगर आपका कंपोजिशन में 100 नंबर का हिंदी है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका एग्जाम 21/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में होगा, जैसा कि यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या गलती करते हैं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखा गया है कि सब्सिडरी पेपर में उनका हिंदी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो हिंदी यहां पर दिख रहा है कंपोजिशन वाला, तो सब्सिडरी का पेपर छोड़ करके कंपोजिशन में जाते हैं देने के लिए, तब तक उनका एग्जाम छूट गया होता है। तो इन सब बातों को आप सभी ध्यान देते हुए अपना एग्जाम देंगे। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि अगर आपका सब्सिडरी पेपर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भोजपुरी, उर्दू है, तो आप सभी 16/3/2024 को सेकेंड शिफ्ट में अपना एग्जाम देंगे। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर्सियन, इसमें आपका एग्जाम होगा। और मैं आपको 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश जो भी है आपको मैं डिटेल्स में यहां पर समझा ही दिया हूं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, किस डेट में आपका एग्जाम होगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सभी 10 AM से लेकर के 1 PM तक आपका एग्जाम होगा। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा तो 2 PM से 5 PM तक एग्जाम होगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि आप सभी का जो सब्सिडरी का पेपर है 12/3/2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप सभी को विस्तृत डेट शीट के साथ पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यह मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।